हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी की। यहाँ पर जो है कंपनी ने बायबैक जो है अनाउंस किया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग आज जो यहाँ पर हमें देखने को मिली इस कंपनी के अंदर, उसमें यहाँ पर कंपनी ने जो बायबैक का मोड जो डिसाइड किया है वो यहाँ पर है टेंडर ऑफर। यहाँ पर आप जो है शेयर्स के अंदर बिड लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 19 अगस्त का देखने को मिल रहा है। बायबैक साइज की बात करो तो सिर्फ 60.24 करोड़ ही यहाँ पर जो है बायबैक साइज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। करेंटली कंपनी के मार्केट कैप हम यहाँ पर देखते हैं तो 1150 के आसपास यहाँ पर करेंटली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है देखने को मिल रहा है। शेयर का प्राइस यहाँ पर 223 पर यहाँ पर मोटा मोटी क्लोज होते हुए देखने को मिला है। उसके हिसाब से देखते हो 34.5% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे 300 का यहाँ पर जो है कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बायबैक साइज की बात करूँ तो 60.24 करोड़ का ही है और यहाँ पर बायबैक प्राइस 300 की और प्रपोज बायबैक शेयर की अगर मैं बात करूँ तो 20,07,930 का यहाँ पर हमें जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर यहाँ पर 35% करते हैं तो यहाँ पर रिटेलर्स को नियरली जो है 7 लाख का जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बायबैक के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर हमें जो है मोटा मोटी देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर यहाँ पर जो है मोटा मोटी जो बायबैक का यहाँ पर जो प्रपोर्शन रहेगा वो चांसेस है कि यहाँ पर हमें जो है वन शेयर स्ट्रेटेजी जो है काम आते हुए देखने को मिल सके। बट एट द एंड बात वही आ जाती है कि यहाँ पर डेफिनेटली हमें जो है 60-70 रुपीज़ का गैप भी देखने को मिल रहा है। बट मोटा मोटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ पर आप बायबैक अप्लाई करते हो, बायबैक का पूरा प्रोसीजर है उसमें यहाँ पर आपके जो है पर शेयर 50-60 रुपीज़ जो है यहाँ पर डिडक्ट होते हैं चार्जेस एंड ऑल के अंदर। तो यहाँ पर जो वन शेयर स्ट्रेटेजी है उसके अंदर यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहो रिस्क अगर यहाँ पर आप ले सकते हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर बाय कर भी आप बायबैक अप्लाई करो तो ये जो है डेफिनेटली आपका डिसीजन रहेगा कि यहाँ पर आपको जो है क्या स्ट्रेटेजी के हिसाब से इस कंपनी के अंदर यहाँ पर आप बायबैक अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है क्या स्ट्रेटेजी रखनी, जिस तरह से शेयर के अंदर मोमेंटम आता है अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप जो है डिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर भी पार्टिसिपेट जस्ट लाइक सिम्फनी लिमिटेड इस कंपनी के अंदर भी बायबैक के अंदर प्रमोटर खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पर कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है टेंडर ऑफर वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।